Good morning, dear student. Hope you all are safe and fine at home. From today, we'll begin our again. हमारे जो स्वर हैं, वो कैसे लिखते हैं, वो एक-एक करके आज हम देखने वाले हैं. और उसके साथ-साथ हम देखेंगे ये जो स्वर हैं, इसमें दो नए स्वर ऐड हुए हैं, उनके बारे में भी आज हम देखने वाले हैं. So let's begin, dear children. ये देखिए, ये हमारा पहला अक्षर आ गया अ. ये हमारा पहला स्वर है अ. देखिए किस तरह से इसकी लिखावट है, ध्यान से देखना जरूरी है. ओके, देन दूसरा अक्षर है हमारा स्वर आ. देखिए दो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किए, फिर स्टैंडिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन है. और आपको याद रहे हमेशा इन अक्षरों के ऊपर रेशा देनी जरूरी होती है. नेक्स्ट क्या है ये ई, ह्रस्व ई, जिसे हम कहते हैं छोटी ई. देखिए जिस तरह से आप एस इंग्लिश में ड्रॉ करते हैं, सेम वे यू हैव टू राइट दिस. नेक्स्ट अक्षर यानी स्वर कौन सा है हम देखेंगे, दीर्घ ई. ये देखिए स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर ये बन गया एस और फिर ये नीचे आ गई एक रेशा. देखिए हर एक अक्षर के ऊपर होनी चाहिए ये स्लीपिंग लाइन. और आगे हम देखेंगे उ, ह्रस्व उ. देखिए किस तरह से है, नंबर थ्री की तरह उसे लिखना है और ये आ गई अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन. नेक्स्ट अक्षर यानी स्वर है हमारा दीर्घ उ. देखिए किस तरह इसकी लिखावट है, नंबर थ्री की तरह लिखा है, फिर ये लग गया और एक सेमी सर्कल और ये इसके ऊपर आ गई स्लीपिंग लाइन. हर एक अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन जरूरी है बच्चों. नेक्स्ट ये कौन सा अक्षर है, रू. ओके, देखिए किस तरह से उसकी लिखावट है, ध्यान से देखना जरूरी है बच्चों. सी, हर एक अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन जरूरी होती है. तो ये बन गया री. ये है क्या, ए. ओके, देखिए किस तरह से स्टार्ट हुआ है और ये दूसरा हिस्सा इसका और इसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन. इसके बाद आने वाला है हमारा नया स्वर, वो क्या है, ए. देखिए अ पहले लिखना है और लिखने के लिए थ्री नंबर जैसा लिखना है, देन स्टैंडिंग लाइन, इसके अक्षर के ऊपर ये स्लीपिंग लाइन और ये आ गया आधा चंद्र. तो ये क्या है, ए. देन ये क्या देख सकते हैं, ए. देखिए किस तरह से इसकी लिखावट है, ध्यान से देखना जरूरी है बच्चों. ये क्या है, ए. ओके, नेक्स्ट कौन सा स्वर आ रहा है, ये देखिए फिर से अ की तरह लिखना है, फिर आ गई स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन अक्षर के ऊपर और ये हो गई और एक मात्रा, तो हो गया ओ. नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये आ गया है नया स्वर, ये है फिर से आ की तरह लिखना है और इसके ऊपर आएगा ये चंद्र. देखिए और ये अक्षर बन गया ओ. ओके, तो ये नया अक्षर है आ, ये देखिए कौन सा है, ओ. फिर से अ लिखा, आ लिखा और इस अक्षर के ऊपर दो मात्राएं और लिखी है. देखिए सो ये अक्षर बन गया ओ. आगे आप देख सकते हैं कौन सा है, यह अम है. देखिए किस तरह से लिखना है, अ लिखा, देखिए स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन एंड देन अगेन अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन और ये बिंदु, सो बन गया अम. नेक्स्ट और लास्ट स्वर है हमारे इस वर्णमाला का, वो कौन है, आहा. ये जो सारे स्वर है इनमें से ये लास्ट स्वर है आहा. देखिए ये दो विसर्ग है. सो डियर चिल्ड्रन, आपको पता चला होगा कि किस तरह से हर अक्षर की कैसे लिखावट होती है. आपको वो फिर से लिखना है आपके रबुक में या फिर CW में. ओके डियर चिल्ड्रन, डू द प्रैक्टिस वेल. अब हम एक एक करके हर एक अक्षर का कौन कौन सा शब्द हो सकता है वो हम चित्र के साथ देखेंगे. लेट्स बिगिन डियर चिल्ड्रन. अ से अनार, अनार यानी क्या, पोमोग्रेनेट. आ
से आम यानी मैंगो, ई से इमली यानी टैमरीन, ई से ईक यानी शुगर केन, ऊ से उल्लू यानी आऊ, ऊ से ऊन यानी वूल, रे से रशी, देन ए से एडी, ए से कैरम, यानी ए जो है वो क के ऊपर आया है और शब्द बन गया कै कैरम। ओके, ऐसे एप्पल भी आप लिख सकते हैं ए, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, ओ से बॉल, यानी अ ये ब के ऊपर आ गया और शब्द बन गया बॉ बॉल। ओके, ये है आया हुआ नया स्वर अ और ए। ओके, अ से ऑरेंज भी है, यानी आपको पता चला होगा कि जो इंग्लिश वर्ड है वो एज इट इज लिखने के लिए ए और अ इस्तेमाल करते हैं। अ से औरत, अंग से अंगूर, और आहा से आहा, स्माइल, लाफिंग। सो ये हो गए हमारे स्वर, पहले 12 थे, अब कितने हैं 14। ओ आ ई ई ऊ ऊ ऊ ए ए ऐ ओ ओ औ अम आहा, ये है हमारे 14 स्वर। और हमने इसकी लिखावट भी देखी है डियर चिल्ड्रन। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। So have a good day children. Thank you. God bless you.